हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? नंबर्स को वर्ड्स में लिखना, अंकों को शब्दों में लिखना, जो आपको आई गया होगा इजी है। आज हम क्या सीखेंगे? उल्टा करेंगे, शब्दों को अंकों में लिखना सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 4008। चार हजार आठ, इसको कैसे लिखेंगे? हमें पता है फोर का स्थान क्या है, हजार का है। तो हम क्या करेंगे, पहले इकाई लिखेंगे, फिर दहाई लिखेंगे, फिर सैकड़ा लिखेंगे, फिर हजार लिखेंगे। अब हमें पता है 4000 के बाद सीधा सिंगल नंबर दिया है, इसका मतलब ये इकाई है क्या, आठ। तो आठ इकाई के स्थान पे लिख दिया। दहाई हमें कुछ नहीं दे रखा तो जीरो, सैकड़ा हमें कुछ नहीं दे रखा तो जीरो, और हजार हमें दे रखा इन्होंने फोर। तो हमने लिख दिया 4008। थाउजेंड में कितनी जीरो आती हैं? तीन, एक दो तीन, इसलिए यहाँ फोर है। सैकड़ा में दो और दहाई में एक, और इकाई में एक खुद सिंगल नंबर होता है। इसी ढंग से हम एक और एग्जाम्पल करेंगे 999 का। 999, इसको हम कैसे लिखें? 999। इसके लिए भी बिल्कुल यही मेथड होगा, 100 है यहाँ पे, सैकड़ा है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा, है ना? तो 99, 9 इकाई, 90 दहाई, और सैकड़े पे भी क्या है, 9। तो हमने इसको अंकों में लिखा, तो हमने क्या लिखा, 999। ऐसे हमने यहाँ ऊपर क्या लिखा था, 4008। और ये हम क्या कर रहे हैं, शब्दों को अंकों में लिखो। आगे आपको बच्चों समझ में आता? अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2,02,031, 2,02,031। ये हमने लिखा है 2,02,031। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, दो का प्लेस वैल्यू क्या दिया हुआ है, लाख दिया हुआ है। इनका स्थानीय मान दो का क्या है, लाख है। तो इसका मतलब हमें लाख तक के लिए लिखना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लास्ट में लाख। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड लैक्स। अब हमें यहाँ पे 31 दिया है। वन क्या है यहाँ पे, इकाई। 30 क्या है, टेंस। और उसके बाद हंड्रेड्स नहीं दे रखा, तो इसका मतलब हमें यहाँ जीरो लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हजार हमें लिखना है क्या चीज, 2000 को। और फिर उसके बाद 10,000 के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ जीरो लिखेंगे। और लैक्स पे क्या है, टू, 2,02,031। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 2,02,031। आया बच्चों समझ में? लाख के लिए हमें कितनी जीरो लगाते हैं, पांच। पांच
पांच डिजिट्स आगे होनी चाहिए, पांच अंक आगे होने चाहिए उस संख्या के। तो 2 लाख है तो 2 के बाद 1, 2, 3, 4, 5। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2000 है तो 1000 के लिए 3 जीरो, तो यहाँ क्या है 2, तो 2 के बाद 1, 2, 3, नेक्स्ट 3 डिजिट्स हो गई 3 जीरो में। हंड्रेड्स के लिए 2 जीरो आती हैं, पर यहाँ 100 का कोई प्लेस वैल्यू नहीं दे रखा है 100 के लिए, तो यहाँ 0 और फिर 30 मतलब दहाई, दहाई मतलब 10, 10 के लिए 1 ही 0 लगती है, तो इसका मतलब 1 ही अंक बाद में आएगा, तो 3 के बाद ये 1 अंक और 1 ही सिंगल नंबर। तो इस ढंग से हम इसको लिखते हैं। क्या अब मैं आपको होमवर्क दूँ, होमवर्क करके दिखाओगे, ईजी है ना? चलो होमवर्क करेंगे आप। मैं आपको लिख के दे रही हूँ नंबर्स और आपको वो करके सॉल्व करके दिखाने हैं। शब्दों को अंकों में लिखो, राइट द फॉलोइंग इन नंबर्स, ठीक है? एट थाउजेंड 66, सेकेंड 4 लैक्स 2000, फिर उसके बाद 100 75, लास्ट है 10,000 110। ये आपका होमवर्क है, ये चारों आपको करके दिखाने हैं।